लूट कर उस मासूम की आबरू तुम्हें नींद कैसे आई होगी, उस दिन घर जाकर तुमने अपनी माँ बहन बेटी से नजरें कैसे मिलाई होगी। आज लिपटे हैं अखबार रोज ही किसी मासूम के दर्द लिए, और खुले घूमते हैं वो हैवान जिन्होंने ये दर्द दिए। आज हर गली हर नुक्कड़ पर किसी न किसी की नीयत खराब होती है, बेटी के जवान होने पर उसकी माँ हमेशा परेशान होती है। जवानी तो दूर, आज बचपन में ही बेटियां हवस का शिकार हो रही है, क्योंकि इन हैवानों के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं हो रही है। अभी खबर ताज़ा है तो लोग आवाज़ उठाएंगे, कैंडल मार्च भी होगा और हैशटैग के साथ पोस्ट भी डाले जाएंगे, पर इस इंसाफ की आवाज़ फिर कहीं दफन हो जाएगी और कुछ दिन बाद फिर वही कहानी किरदार बदल कर सामने आएगी। वहाँ एक मासूम अपनी जान दे बैठी है और यहाँ पब्लिक इस पर राजनीति कर बैठी है। क्या बीती होगी उस माँ पर जिसने अपनी बेटी को उस हालत में देखा होगा, पर लोगों को क्या फर्क पड़ता है, ऐसा उनकी बेटी के साथ थोड़ी हुआ होगा। क्यों एक लड़की वीरान सड़कों पर चलने से पहले 100 दफा सोचती है, क्यों आज़ादी के इतने साल बाद भी हर घर की माँ और बेटी डरती है, क्यों हाथ डालने से पहले वो हैवान नहीं थर्राता है, क्यों अंजाम का डर उसके इरादों को नहीं रोक पाता है। यहाँ हर घंटे कई रेप होते हैं और उसका इंसाफ 15 साल में। क्यों नहीं कानून बनाकर टांग दिया जाता इन्हें सूली पर, फिर देखते हैं कि कैसे नजर डालते हैं ये किसी की बहन बेटी पर। एक बार मोमबत्ती की जगह रेपिस्ट को जलाकर देखो, हर बार बेटियां जले, जरूरी तो नहीं